और जितने भी बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सभी को, महाराष्ट्र की इस धरती को जिसने वीर शिवाजी जैसे योद्धाओं को जन्म दिया, कुकड़े काका जैसे महापुरुष इस धरती पर है और उन्होंने नाम किया इस देश का, इस धरती का, इन सभी को और सभी श्रोताओं को मैं राजस्थान की धरती की तरफ से नमन करता हूं। बच्चों आज टीचर डे है, मतलब एजुकेशन और लर्निंग इससे रिलेटेड कोई प्रोसेस है, ठीक है। एजुकेशन और लर्निंग के बारे में मैं आपको, हम हमेशा एजुकेशन 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 के बारे में बात करते हैं, मगर बच्चों हमें लर्निंग के बारे में बात करना चाहिए, ठीक है। एजुकेटेड तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं आज पूरा देश एजुकेटेड है, मगर मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा कि आप लोग जो है लर्निंग पर काम करें बच्चों, ठीक है। क्योंकि लर्निंग पर जब आप काम करेंगे तो दुनिया के किसी भी ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हैं। और लर्निंग जो है किसी बहुत बड़े कॉलेज से नहीं, किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं, आप अपने घर से, अपनी माताजी से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, अपने आसपास के गुरुजनों से जो है सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में जो है आगे बढ़ाया है, ठीक है। अगर आप देखें तो खाना तो जो है बहुत बड़े ताज होटल के अंदर भी मिलता है, मगर उससे भी स्वादिष्ट खाना जो है हमारे घर के अंदर हमारी माँ हमारी दादी बना देती है, मतलब उनके पास। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़े किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो है क्वालिफाई होकर आया हूं, मगर बच्चों मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे, मैंने लर्न किया है, मैंने सीखा है कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, किस तरह से बच्चों को जो है लर्न कराया जाता है, उसी के बारे में बच्चों में बात करता हूं। और इसीलिए जो है आज ये टीएन सर जिन्होंने अपना करियर 2009 में स्टार्ट किया था और आज पूरे इंडिया के अंदर टीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से फेमस है। बच्चों मेरा काम क्या होता है, मेरा काम इतना सा होता है, जिस भी क्लास में मैं पढ़ाने जाता हूं मेरा इतना सा कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी स्टूडेंट आज मुझे सुनने आए हैं इन्हें कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा नहीं पाया है, इसलिए अब ये टीएन ब्रांड इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा। लर्निंग पे काम करना है, एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे काम नहीं करना है। आप देखिए बहुत बड़े महापुरुष जो बने हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं, मगर उन्होंने अपने जीवन में बच्चों लर्निंग सीखा है, मतलब हर पल वो सीखते हुए चलते हैं। मैं जब सीढ़ियां चढ़ता हूं तब भी सीखता हूं, मैं यहां आता हूं तब भी सीखता हूं, मैं आपको देखता हूं तब भी सीखता हूं। तो बच्चों आप लोगों के अंदर कमी नहीं है, बस अगर आप ये सोच लें कि हमें सीखना है और ये सीखने की ललक जो है अगर आज से लेकर आप अपने बुढ़ापे तक रखेंगे तो आप भी जो है कुकड़े काका जैसे पद्म भूषण महापुरुष बन सकते हैं। बच्चों समय का अभाव है तो मैं लाइन को खत्म करना चाहूंगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं के ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू सो मच।